Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. It's where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं एंड दैट टू हू वांट्स अ परमानेंट कनेक्शन विद यू. कौन आपके साथ एक परमानेंट कनेक्शन में आना चाहते हैं. सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @dakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में ऐसा कौन आने वाले हैं जो आपके साथ एक परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं. सो ऑफकोर्स उनके बारे में जानने के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम चैनल स्टेटमेंट्स बनाए हैं. सो इसको हम ज़रूर देखेंगे. इनिशियल्स देखेंगे लास्ट में. सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए. प्लीज़ बताएं. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एस ऑफ स्पोर्ट्स. एक्वेरियस जेमिनाई लीब्रा हो सकता है. कुंभ मिथुन तुला राशि. ओके वी डू हैव एज अ थ्री ऑफ स्टाफ. दिस इज द थ्री ऑफ वैंड्स. ऑलराइट यहाँ पे है हमारे पास डॉटर ऑफ कॉइंस. वाओ यहाँ पे है हमारे पास मलिका ऑफ स्टाफ. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. वी डू हैव द मलिका ऑफ स्वॉर्ड्स. मलिका ऑफ स्टाफ मलिका ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके वी डू हैव द एट ऑफ कप्स. वी डू हैव द फोर ऑफ वैंड्स. चलिए आया फोर ऑफ स्टाफ. दिस इज द फोर ऑफ वैंड्स. ओके बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाली. दैट इज अ चैरियट कार्ड एंड वी डू हैव द डेथ कार्ड एज द न्यू बिगिनिंग. उसके नीचे भी मैजिशियन ही है. ठीक है. एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली नाउ. एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि यहाँ पे है. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है. एयर साइन फायर साइन वाटर साइन कैंसर पिसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन राशि है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कैंसर इज मोर इम्पॉर्टेंट. कैंसर इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. यहाँ पे है द 13 नंबर डेथ कार्ड इज इम्पॉर्टेंट. एरीज एंड स्कॉर्पियो आर इम्पॉर्टेंट. मेष और वृश्चिक राशि और कर्क राशि बहुत इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट नंबर्स और मंथ्स हो सकता है. जून इम्पॉर्टेंट है. जुलाई इम्पॉर्टेंट है. ओके अप्रैल इम्पॉर्टेंट है. जुलाई अगस्त कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट. मार्च एंड अप्रैल कैन बी इम्पॉर्टेंट. इस तरह से हो सकता है. एंड आई डू फाइंड दिसंबर एंड जनवरी ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. किसी के लिए 12, 13, 7, 8, 4, 1 एंड 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट. देखो ये किस किस्म का इंसान होंगे मैं आपको बता देती हूँ. आई डू फाइंड कि ये इस तरह के इंसान होंगे जो उनके लिए जो झूठ है वो झूठ है और झूठ इस तरह से वो नफरत करते हैं कि बिल्कुल उस इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जो हर एक स्टेटमेंट में झूठ बोले. सो दे आर ऑलवेज द ट्रूथ फाइंडर. मैं मानती हूँ कि कभी कभार सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं झूठ बोलने के लिए वरना उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. बट दिस पर्सन इज सो मच स्ट्रॉन्ग. बहुत बहुत ज़्यादा ही केपेबल है. ठीक है कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ये साफ साफ बोल देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर गलत है तो गलत ही सही सबके सामने ये मुंह तोड़ जवाब दे देंगे. सो दे ऑलवेज फाइट फॉर जस्टिस इक्वालिटी एंड आई डू फाइंड दे आर लाइक द शार्प. दे आर सो शार्प. दे आर इंटेलिजेंस. ठीक है. इनकी जो मैं आपको बोल सकती हूँ इनका जो एनालाइजिंग प्रोसेस है मतलब जिस तरह से वो एनालिसिस करते हैं जिस तरह से इस चीज़ को समझने की और टटोलने की कोशिश करते हैं जस्ट लाइक एन इंस्पेक्टर. जस्ट लाइक द क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स जैसे करते हैं. जिस तरह से इनकी जो तेज़ धार तलवार है. ठीक है. जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तेज़ धार तलवार जैसे एंड इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द क्लाउड्स. राइट. सो इनकी विजन जो है इनकी जो मिशन है विजन है मिशन है काफ़ी स्ट्रांग है. कुछ लोगों के लिए इनकी सत्य जो ऊपर आधारित चीज़ों को लोगों को दिखाते हैं मे बी दे आर लाइक
शोइंग रियलिटी टू पीपल, मतलब हो सकता है ना कि कुछ ऐसे कंपनीज के खिलाफ कुछ बोलना जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में, आप देखते ही बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ इवेंट्स में, या सत्य सबके सामने फैक्ट्स रख देना कि देखो आप लोग देखो फैक्ट क्या है, ट्रूथ क्या है, रियलिटी क्या है, इस तरह से हो सकते हैं। एंड आपके साथ इनका जब कनेक्शन होगा मोर और लेस दे विल बी इन एनी अदर कंट्री, आप दोनों अलग अलग देश में हो सकते हैं, दोनों के बीच में काफ़ी फासला मुझे दिखाई दे रहा है एंड दोनों की मेंटालिटी भी काफ़ी अलग अलग दिखाई दे रहा है। देखो एक चीज़ है कि अगर आप किसी के लिए बगीचा बनाते हैं सो ये ऑफकोर्स ऐसा होगा कि आपके लिए कोई बगीचा ऑलरेडी रेडी रहेगा। आप ये इंसान इस तरह से है कि ये खुद एक बगीचा है, ठीक है, ये खुद एक गार्डन है जहाँ पे लोग इनके पास उस गार्डन में रिलैक्स करने के लिए आते हैं। दे एक्चुअली लव पीपल एंड पीपल ऑल्सो लव देम, ठीक है, दे आर फॉन्ड ऑफ नेचर, ठीक है। और दूसरा है कि जिस तरह से फूल है तो मधुमक्खी तो आएगा, उस तरह से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर इनके अंदर है कि लोगों को ईजिली मैग्नेट की तरह अपने आप, मतलब खुद के अंदर, ठीक है, खुद के बलबूते पर ये लोगों को आकर्षित करते हैं बाय देयर ओन टैलेंट, बाय देयर ओन कैरिज्मा, बाय देयर ओन पावर, बाय देयर ओन स्ट्रेंथ एंड बाय देयर ओन यू कैन से दैट रियल पावर, ठीक है, जेन्युइन पर्सन है बिल्कुल। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है यू कैन ऑल्सो मीट देम एंड इवेंट्स, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल 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 स्टेबिलिटी तो लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है। एक आपके जीवन जो है इससे पहले अनस्टेबल हुआ करता था, हो सकता है कि आप आज किसी एक जगह पे दूसरा किसी और जगह पे ट्रांसफ़र ले लेते थे बिकॉज यू आर सिंगल एंड बैचलर में भी एट दैट टाइम, या आप सेपरेटेड या डिवोर्स थे तो आपके लिए कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता था जगह, आप कोई भी जगह पे रहने के लिए, हो सकता है कि आप मान जाते थे कि देखो अपना फैमिली नहीं है तो फैमिली है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, ठीक है, दूर है, बट इस इंसान से मिलने के बाद आप, मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक परमानेंट स्टेबिलिटी, एक परमानेंट सेटलमेंट वो एक जगह पे आपका ज़रूर होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एक फूल को, ठीक है, उसके ऊपर रोज़ आपने पोषण दिया उसको, ठीक है, आप कहीं ना कहीं पे इस तरह से हो सकता है कि यू हैड मेड यू कैन से दैट लॉट ऑफ, जैसे होता है ना कि किसी को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसको बोलते हैं कि चलो आज हम आप हमारे घर आइए और हमारे घर आके खाना खाइए, आपकी मनपसंद खाना, आपकी मनपसंद डिशेस हम बनाएंगे, लेकिन उसको कोई कदर नहीं है, ठीक है, उसको कोई कदर नहीं था, उसने आपकी ज़िंदगी से जानबूझ के मूव ऑन किया क्योंकि उसको कोई और जगह पे, ठीक है, शादी करना था। दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ योर जेन्युइन नेचर बट दे वर फॉन्ड ऑफ योर मटेरियलिस्टिक, मीन्स दे वर फॉन्ड ऑफ मनी बेसिकली, तो पैसे के चक्कर में हो सकता है कि आपके एक्स हो सकते हैं जो जिन्होंने आपको, जैसे होता है ना कि बीच चौराहे पे छोड़ के चले गए बिकॉज दे वर नॉट फाइंडिंग दिस रिलेशनशिप कम्फर्टेबल, उनके लिए रिलेशनशिप चाहे अब सिंगल मैरिड है या डिवोर्स जो भी है सेपरेशन में है, उनके लिए सुटेबल नहीं था, उनके लिए ये रिलेशनशिप एक टाइम पास ही था या कम्फर्ट था जो उनको मिल गया, अभी वो डिपार्चर कर दिया, मतलब चेकआउट कर दिया। इसलिए बोला जाता है कि उन लोगों को ही आप एंटरटेन करें अपनी ज़िंदगी में जिनको आपको महसूस हो कि ये जेन्युइन है, इनको क्या करने चाहिए, वो लायक है, बट वो इंसान तो आपके लायक नहीं था। कितना हम सोचते हैं ना उस इंसान के लिए, अच्छा मिठाई खरीदेंगे, अच्छा ड्रेसेस खरीदेंगे, लेकिन क्या होता है ना बाद में वो फेलियर हो जाता है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एक्सेप्ट लव, क्योंकि उनको प्यार करना ही नहीं है, प्यार का जो एक स्पिरिचुअल साइड है उसको वो मानते ही नहीं है, उनको वो सब चीज़ों से, सिंपल चीज़ों से उनको मतलब ही नहीं होता है, उनको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अच्छे लगते हैं, ठीक है, ओके। सो मैंने आपको ये भी कहा था कि कोई भी ड्रेस में, चाहे वो वेस्टर्न वेयर हो या इंडियन वेयर हो या कोई भी ड्रेस का, कोई भी देश का नेशनल कॉस्ट्यूम हो, कुछ भी अगर आप पहनो, अगर आप कंफर्टेबल वे से पहनो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन ये इंसान को अनकंफर्टेबल चीज़ें बहुत पसंद है।
जो चीज़ें ऐसे पसंद है जो चीज़ जनरली नाजायज़ माने जाते हैं, ठीक है। सो उस तरह के सिचुएशन को शायद आप छोड़ दोगे, विल जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड यू विल मीट दिस पर्सन। आपको लगेगा कि कहाँ मेरा ज़िंदगी एक पानी से भरा हुआ था और आप देखो कितना सुंदर यहाँ पे आया है। योर यू कैन से दैट योर गार्डन वॉज फुल ऑफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, आप हर रोज़ पानी भी देते थे, लेकिन इस चीज़ का कोई कदर ही नहीं किए और आपको बीच जैसे रेगिस्तान में किसी ने छोड़ दिया। आपको डायरेक्शन भी नहीं मिला, आपको पता, आपको ये तो पता था कि मैं इस जगह से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर महसूस हुआ कि जैसे मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड दिस हैपन टू मी, बिकॉज गॉड हैज़ सर्टेन अदर प्लान्स फॉर यू। भगवान ने कुछ और बनाया या टाइमिंग अच्छा नहीं था उस दौरान। सो ये सारे घटनाएं आपसे रिलेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ। एंड आई डू फाइंड कि उसके बाद से धीरे धीरे जैसे आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते गए, अपने जैसे कुछ लोगों अपने द्वार पे आना ही बंद करवा दिया कि देखो मुझसे मिलना है तो अगर आपको कमिटमेंट देना है तो ही मिलना है वरना नहीं। कहीं ना कहीं भी ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, मे बी दे हैव द कर्ली हेयर्स, ठीक है, इतना शोल्डर लेंथ हेयर हो सकता है, बेबी फेस हो सकता है, दे हैव मोर फेमिनिन पावर, अगर आप मेल है फेमिनिन पावर ज़्यादा है उनके अंदर। एंड आई डू फाइंड अगर आप मेल के लिए सर्च कर रहे हैं, सो ये इंसान बिंदास है बिल्कुल, ठीक है, कैजुअल लुक्स है इनका, ठीक है, अप्रोच भी काफ़ी अच्छा है एंड बैलेंस कर लेते हैं अच्छा से। एंड आई डू फाइंड कि आप हमेशा देखिए चैरिट का कार्ड में अलग अलग डायरेक्शंस पे लोग जाते हैं ये हॉर्सेस, पर ये इंसान इतना कैपेबल है कि विदाउट एनी रोप, कोई भी रस्सी के बिना, ये किस तरह से देखो ऊपर ही खड़ा होके इन दोनों, ठीक है, हॉर्सेस को एक डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। सो यू कैन एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस पर्सन, जैसे बोला डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। सो ये कॉमन मैन तो आपको दिख रहे हैं बट दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ पावर। एंड ये इंसान आने से पहले आपको डेफिनेटली एक डार्क शेडो साइड, ठीक है, आपको अनुभव होगा किसी और इंसान का, एंड देन यू विल फाइंड दिस पर्सन, ठीक है। सो एंडिंग्स एंड देन अ स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर इन योर लाइफ, जैसे रेगिस्तान के बाद फिर से खुशी, यहाँ पे मुझे उसी तरह से दिख रहा है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद पावरफुल सिचुएशन, ठीक है, कोकोनट ट्रीज आते हैं, हो सकता है इंसान कोस्टल एरियाज में रहते हैं। एंड आई डू फाइंड लाइक यस, ठीक है, हम दूसरा कार्ड से भी देखते हैं सो दैट वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हम और भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। दिस पर्सन लव्स टू वेयर लाइक ग्रीन येलो लाइट ग्रे ब्लू कलर क्लोथ्स, या हो सकता है इनको वैसे ही ड्रेसेस पहनने हैं जो उनको सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल लगे। हेल्प फ्रॉम अबव, ठीक है, ये इंसान इट्स लाइक ड्रीमी कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन आपने हार्डली विजुअलाइज भी किया होगा या अनुभव किया होगा इन रियलिटी, मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो है ना, ये सीधा ऊपर से ये कनेक्शन है, इट्स लाइक दिस पर्सन विल हेल्प यू इन योर डिफिकल्ट टाइम्स, जब आपके क्रिटिकल सिचुएशन होंगे ना, जैसे बोला जाता है क्रिटिकल सिचुएशन में ही देखा जाता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, ठीक है, कौन बदमाश है, हमें पता चलता है। तो यहाँ पे आपको पता चला दिस पर्सन विल बी रियली इमोशनल, वेरी मच इमोशनल, टू मच इमोशनल एंड वेरी मच प्रिटी, बहुत सुंदर हो सकता है दिखने में, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू कलर आईज, लाइक हेजल आईज, उस तरह से हो सकते हैं। ड्रीम्स, देखा, इट्स अ ड्रीमी कनेक्शन, बोलते बोलते ड्रीम्स, शायद बहुत ज़्यादा आप इस इंसान के बारे में सपना देखना ज़्यादा स्टार्ट करोगे जब ये आपके करीब आते जाएंगे या डिवाइन टाइम होता जाएगा। होल इन द सोल, जैसे किसी ने आपकी हार्ट में कुछ ये ना करें, एक आज रीडिंग में मैं जब कर रही थी, ये कार्ड और ये कार्ड दोनों बराबर आया, तो एक इंसान आपका दिल दुखाया, दूसरा आके आपका दिल संभाला, यही तो होना है, ज़िंदगी का नाम वही है। विक्टिम कॉन्शियसनेस, 12 नंबर, 36, 3 एंड 27, दैट इज़ 9, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। विक्टिम कॉन्शियसनेस ये है कि
आपके पर्सन जो भी आपके एक्स रहे होंगे या करेंट रिलेशनशिप अगर आपकी ख़राब बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो कोई ब्लैक इविल एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी प्रकोप मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, वाई आर यू क्राइंग, यू आर सच अ स्वीट पर्सन। ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है अननेसरी कोई आपको ट्रबल दे रहे हैं, लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। यहाँ पे सारे स्नेक्स हैं, यहाँ पे कैन यू सी दैट, स्नेक्स, रेप्टाइल्स, बिच्छू, यहाँ पे सारे जैसे आपको अटैक करने के लिए तैयार है। सो दिस मे बी द इफेक्ट ऑफ इविल एनर्जी एट योर हाउस, हो सकता है आपके घर में, थोड़ा सा आप देख लेना। और दूसरा है सेफ रहना, और दूसरा चीज़ है ये भी हो सकता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, इसके वजह से वो अपने ही ज़िंदगी में बिल्कुल खुशी नहीं से खुश से नहीं जी पा रहे। दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ, दे आर नॉट फीलिंग जॉय। भले उनको बहुत कुछ हो सकता है सेलिब्रेशन का मौका है, लेकिन वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने आपको इन्जॉय करने तो दिया नहीं, तो वो कैसे होंगे। सो दिस कैन ऑल्सो बी योर एग्स, जिनके अंदर चेतना होगा कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, और बरोबर उनको मिलेगा। सो ये दिस पर्सन कैन ऑल्सो कम इन योर लाइफ, नो डाउट। ठीक है, अभी यहाँ से हम देखेंगे, दे कैन लव द ब्लैक कलर, बट आई सजेस्ट दैट यू डोंट वेयर ब्लैक कलर फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक आप ब्लैक कलर ना पहने। अगेन इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, आप कंसल्ट करके देख लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज पुल योर लेग, ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा टांग खींचेंगे, जोक्स मजाक करेंगे बहुत ज़्यादा। अ डाउटफुल सिचुएशन आपको हो सकता है, आपको लगे आपकी एक्स आ सकते हैं या आपके न्यू पर्सन, सो आपको ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी मिलेगा। पावरफुल पर्सनैलिटी होगा, बहुत ज़्यादा पावर इनके अंदर, मैंने आपको पहले ही कहा है। ओके, द सर्कल ऑफ फायर, यहाँ पे ये बोला जाता है फायर जो एलिमेंट है, दैट इज एरीज, लियो एंड सजिटेरियस जो भी होते हैं, फायर इजिप्शियन सिंबल में माना जाता है बहुत ज़्यादा विजडम स्ट्रेंथ, और हमारे जो कस्टम्स है उसमें माना जाता है अग्नि जो है देवता, अग्नि जो एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र चीज़ को ऐसा बोला जाता है कि अग्नि में कुछ भी हो वो पवित्र माना जाता है, इसलिए अग्नि के सामने ही सात फेरे लेते हैं, कैंडल्स जलाए जाते हैं, दिया जलाया जाता है, हर एक कस्टम में इसका उपयोग है। क्लचिंग योर बिलव्ड, ये आपको अपने सीने से लगाए, दिस दे कैन बी अ फूडी, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दे कैन बी अ मर्चेंट नेवी, दे कैन बी अ बिजनेस ट्रेडर, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, उस तरह से हो सकते हैं, वीडियोस जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन में हो सकते हैं, उस तरह से ब्लॉक्ड चैनल्स, हो सकता है कि कुछ एनर्जीज आपके अभी भी ब्लॉक्ड है। ठीक है, सो हील योर चक्रस, रिकवरिंग द लॉस, सो जो भी लॉस आपने झेला है, मैंने आपको कहा कि आपको दिखाई देगा कि वो लॉस के अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट आ रहा है। पैराडॉक्स, ऐसा कोई स्टेटमेंट आपके सामने लेके आ सकता है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो, आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन आप समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, या इस इंसान का फितरती है ये कुछ पैराडॉक्स सिचुएशन को बोलते हैं, मतलब एक सिचुएशन को ऐसा बोलते हैं जो इट्स लाइक मे बी ट्रूथ मे नॉट बी। चेक हेल्थ सिम्टम्स, कैन बी अ डॉक्टर, लोगों की हेल्थ चेकअप करते हैं, या मे बी दे कैन बी लैब एनालिस्ट। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, दिस इज अ पर्सन हु इज़ वेरी मच रेयर पर्सनैलिटी, यहाँ पे एक ब्लू मून ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। देखो मिला ना, सिमिलैरिटीज हुआ ना। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम डिस्टेंस, यस, ये इंसान आपको डिस्टेंस ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू माध्यम से मिल सकते हैं, सोशल मार्केटिंग। ओके, फनल, फनल ऐसा चीज़ है जो पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था फॉर फिल्टरिंग वाटर, पानी को फिल्टर करने के लिए। सो ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में सारे टॉक्सिसिटी को निकाल देंगे, ऑन क्लाउड नाइन, आपको बहुत खुशी होगा इस इंसान से मिलने के बाद। वेडिंग कार्ड्स, ब्यूटीफुल वेडिंग कार्ड्स भी है, एंड डेफिनेटली हो सकता है किसी के वेडिंग कार्ड आपको मिले और आप इनविटेशन में जाए और आपको वो इंसान अपने साथ होते हुए दिखे। अफेक्शनेट, बहुत केयरिंग होंगे, या आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, फैंटेसीज में जीते हैं बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली। और अभी हम देख लेते हैं इनिशियल्स, तो थोड़ा सा वेट करें। ठीक
कहीं और ना भागे, इधर उधर ना दौड़े। इस वक्त कुछ लोग ना खिड़की के बाहर देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है खिड़की के बाहर देख रहे हो। आई डोंट नो व्हाट यू आर सर्चिंग, मे बी यू आर लुकिंग एट द मून। किसी ने आपको ना कहा तो आपको बहुत चोट आया। मंडे के दिन ये इंसान आपको मिल सकते हैं, या 13 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 13, 8 ओके एंड 36 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 369 पॉनी टेल बांधते होंगे या आप पॉनी टेल बांधते होंगे। ओके लव, दे विल लव यू अलॉट, LOVE लव यू अलॉट। ओके वीज़ा, एम्बेसी वीज़ा रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं, वीज़ा एजेंट हो सकता है, उनके उनको कमीशंस मिलता है। ओके पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, मनी इज़ कमिंग ओवर हियर, MONEY, ओनली द वाई इज़ मिसिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किंडरगार्टन स्कूल हो सकता है, या चलाते हो या पढ़ाते हो उसमें। ओके हाँ आई टू फाइंड लाइक तमिलनाडु हो सकता है एक स्टेट जहाँ से वो आ सकते हैं। ओके ट्रैवल एजेंट हो सकता है। ओके इनके फैमिली में ऐसा कोई हो सकता है जो इन मतलब बुजुर्ग होंगे जो इनके घर में होंगे लेकिन वो अभी नहीं रहे हैं, तो उनको बहुत ट्रेजेडी हो सकता है कि उनको बहुत लॉस हुआ या उनको शॉक लगा, ट्रॉमा में चले गए थे वो। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, आई डोंट नो, मे बी आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किए थे, इसलिए आपने रिलेशनशिप को ब्रेक किया और उन्होंने आपको कुछ ऐसा कुछ करने को या आपको कुछ पर मतलब कुछ ऐसा करने को कहा था जो आपके इज्जत के ऊपर दाव लग गया था, उस ऐसा कुछ होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान आप मिल सकते हैं। ओके लेंस, ये लेंस पहनते होंगे मे बी, एंड वो या हो सकता है ये डॉक्टर है फॉर विजन, आई फॉरगॉट उस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं। ओके मतलब कोई आई जैसे स्पेक्टेकल्स की उनके पास शोरूम हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है फॉर विजन, उस तरह से हो सकता है। आई स्पेशलिस्ट, यस आई स्पेशलिस्ट, ENT भी हो सकता है, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट, या उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन्स हो जाते हैं, कोल्ड रिलेटेड हो सकता है इन्फेक्शन्स। इनके घर में पेइंग गेस्ट हो सकता है, यहाँ पे उनका अर्निंग सोर्स बहुत ज़्यादा है इसलिए। ओके एंड VRS शायद वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस हो सकता है कि इन्होंने मिलिट्री से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और बाद में कोई और कंपनी में ज्वाइन किया, ये भी हो सकते हैं। एंड ललिता किसका नाम हो सकता है, नमिता किसका नाम हो सकता है, मिनेश किसका नाम हो सकता है, मनीष किसका नाम हो सकता है, सूर्या किसका नाम हो सकता है, संदीप किसका नाम हो सकता है, संजय किसका नाम हो सकता है। ओके टीना किसका नाम हो सकता है। ओके इनके पास एक छोटा सा लैब्राडोर हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग। डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट, ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू अलॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय, ब्लेस यू ऑल।